इमरान हुसैन जी हमारे साथ में यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली सरकार हमारे बीच में, यहाँ पे खेमचंद जागीरदार जी हमारे बीच में, राजस्थान के सह प्रभारी दिल्ली से हमारे काउंसलर महेंद्र बादल जी, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर आए। जितने भी साथी हमारे और बाहर रस्ते में स्वागत के लिए इंतजार कर रहे थे, आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी जल्द से जल्द आ जाएं पंडाल में। आम आदमी की सरकार जिसने कि दिल्ली के अंदर में जनता को दिखा दिया कि अगर आम आदमी चाहे तो किस प्रकार से अच्छी नीयत से एक अच्छी सरकार बना सकता है एक अच्छे कार्य के लिए। मैं अनुरोध करूंगा पुनः दोबारा अपने सभी भाइयों से कि आप सभी लोग आ जाएं। मैं अनुरोध करूंगा यहाँ पे डॉक्टर वीरेंद्र विदोही जी से, हमारे अलवर के सबसे वरिष्ठतम साथियों में से एक, पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर में हमारे लोकसभा प्रत्याशी रहे। मैं वीरेंद्र विद्रोही जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए। मैं अनुरोध करूंगा यहाँ पे हमारे अलवर जिले के सबसे वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं में से एक देवेंद्र साहू जी और हमारे संगठन विस्तार समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र साहू जी कि आप भी कृपया कर मंच पर आए। महेंद्र भाई, मैं अनुरोध करूंगा यहाँ पे एक हमारे बीच में हमारे अलवर जिला कोषाध्यक्ष नवल किशोर शर्मा जी हैं, आपसे भी कि आप भी कृपया कर मंच पर आए। महेंद्र भाई, स्वागत की कड़ी के अंदर में मैं अनुरोध करूंगा महेंद्र भाई यहां पर मैं अनुरोध कर रहा हूं अब यहां पे मनीष माथुर जी से कि मनीष माथुर जी हमारे दिल्ली से आए हुए कैबिनेट मिनिस्टर इमरान हुसैन जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मनीष माथुर जी, मैं अनुरोध करूंगा आइए। मैं अनुरोध करूंगा सुनील शर्मा जी से कि आप भी आए और इमरान भाई का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जाओ मातर जी, आप भी ले जाओ। बिल्कुल पगड़ी पहना कर उनका स्वागत करें। एक और डाल दो। मैं किशन कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और खेमचंद जागीरदार जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं महेश जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और खेमचंद जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। मैं राजू भाई से अनुरोध करूंगा कि राजू भाई हमारे बीच में आए हुए दिल्ली से, राजू भाई हमारे बीच में काउंसलर आए हुए हैं दिल्ली से, आप उनका भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। कल के कई मनीष माथुर जी, आप वीरेंद्र विद्रोही जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। विद्रोही सर कह रहे हैं कि मैं तो यही अलवर का हूं। बिल्कुल सभी मंच पे हमारे बैठे हुए देवेंद्र साहू जी, महेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत यहाँ
राजगढ़ के इस क्षेत्र मूनपुर में। मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर व्यस्तम शेड्यूल के अंदर में से कई प्रकार की परेशानियों में हमारी सरकार को इस समय दिल्ली की सरकार को डाला हुआ है। केंद्र सरकार ने उन परेशानियों से निपटते हुए रात्रि 2 बजे भी कुछ ऐसी परेशानियों को निपटाकर उसके बाद में अपने कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए, महेंद्र भाई का समर्थन करने के लिए इमरान हुसैन जी आप सभी के बीच में, तो मैं एक बार आपकी जोरदार तालियां चाहूंगा इमरान भाई के लिए। हेमचंद जागीरदार जी दिल्ली से सुबह चल के 4 बजे चलकर आप सभी के बीच में यहाँ पर आए हैं, आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आम आदमी की ताकत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आम आदमी ने जो दिल्ली में करके दिखाया है वही अब हमको राजस्थान में करके दिखाना है। तो मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा हेमचंद जी के लिए आप सबकी तरफ से। देखिए बिल्कुल हम लोग बहुत आम व्यक्ति हैं, बहुत आम तरीके से चलते हैं, बहुत आम स्वभाव, बहुत आम तरह के अरेंजमेंट के साथ में हम होते हैं। एक बार आप सभी के लिए, आप सब लोग जो यहाँ पर, आप सबको एक नारे के साथ में, भारत माता के जयकारे के साथ में आप सब लोग खुद को स्वागत करें, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। इसके बेटे लाइव है ना, बाबा का आएगा है ना, लाइव चलाते चलाते रोज देखते सामने। कार्यक्रम आज राजस्थान में एक साथ कई कार्यक्रम हैं, उनमें से यहाँ पर अभी ये राजगढ़ में, इसके बाद में फिर रास्ते में कार्यक्रम सिकंदरा होते हुए फिर दौसा के अंदर में। मैं अब यहाँ पर अनुरोध करूंगा, देखिए अलवर के अंदर में आम आदमी पार्टी के हर कोने में पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने मजबूती से पिछले 6 सालों तक इस पार्टी का साथ दिया, पार्टी के साथ खड़े रहे, आप सबके साथ खड़े रहे, जनता की आवाज को उठा रहे, हर कोने से लड़ रहे हैं, ऐसे ही एक व्यक्ति जो कि हमारे पिछले लोकसभा प्रत्याशी थे, मैं अनुरोध कर रहा हूं उनसे कि वो आप सभी के बीच में अपनी बातों को रखें, डॉक्टर वीरेंद्र विद्रोही जी। साथियों, जिस दौर में हम लोग इकट्ठा हुए हैं उस दौर में बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने तो ये स्वीकार कर लिया कि 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं रहेगी, लगभग इतने स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी अब लगातार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि पिछले 4 सालों से जिस तरह पिछले 4 सालों से जो कुछ भारत में घट रहा है वो आपके सामने है। क्या घट रहा है? सबसे पहले बड़ा खेल हुआ नोटबंदी का, और नोटबंदी के खेल में मेरी मां के पास जो पैसा था वो अचानक ब्लैक मनी हो गया, काला मनी हो गया अचानक। जो महेंद्र मीणा की पत्नी ने छिपा के रख रखा था 10,000 रुपया, वो भी ब्लैक मनी हो गया। उसके बाद दूसरा गेम खेला गया जीएसटी का। ये गेम सिर्फ भाजपा ने खेला ऐसा नहीं, जीएसटी का मूल काम तो शुरू किया था कांग्रेस ने, चिदंबरम उनके मंत्री थे, और उन सबका प्रभाव यदि आपको देखना है तो भारत के बाजारों में और उत्तर भारत के बाजारों में जाकर देख लीजिए। अलवर जिले में पिछले 1.5 साल में लगभग 1,000 करोड़ रुपया डूब गया है, लगभग 1,000 करोड़ रुपया अलवर जिले में। लगभग 22% लोगों को जो प्राइवेट धंधे कर रहे थे वो बंद हो गए हैं, रोजगार है नहीं। तो फिर ये नौजवान जिनके पास रोजगार नहीं है तो ये क्या धंधा करेंगे? ये किसी पहलू खां को मारेंगे गाय के नाम पर, किसी रकबर को मारेंगे गाय के नाम पर, ये किसी दलित को मारेंगे कि तूने गाय का चमड़ा नहीं निकाला इस नाम पर,
और एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि भारत का समाज टूट कर जातियों में, धर्म में, संप्रदाय में बट जाए। मेरे एक मित्र कहा करते हैं कि जो सरकारें और पॉलिटिकल पार्टी शमशान और कब्रिस्तान पर चुनाव लड़ती हैं, वो ऐसा ही समाज देंगी। इसके ठीक विपरीत पूरे भारत की एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी के मुद्दे कुछ अलग है। उसका मुद्दा दिल्ली में क्या है? मुद्दा है सबको शिक्षा, समान शिक्षा। तो आप अब देख सकते हो कि दिल्ली के लगभग सारे सरकारी स्कूल दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में से हो गए। दिल्ली के लगभग सारे प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगा दी गई है, लगभग सारे। हमारा दूसरा मुद्दा था स्वास्थ्य। दिल्ली में स्वास्थ्य के नाम से जो कुछ हुआ कि दिल्ली के किसी भी नागरिक को दिल्ली के किसी भी अस्पताल में किसी भी बीमारी के लिए कोई पैसा नहीं देना, और यदि उसका इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकता तो प्राइवेट अस्पताल को भी निशुल्क करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ दो छोटी बातें आपसे कह रहा हूं कि जो पार्टियां जाति, धर्म, शमशान, कब्रिस्तान की राजनीति कहती हैं अपने चुनाव में, जो बार बार ये कहता है कि देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है, जो बार बार ये कहता है कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही होगा, जो बार बार ये कहता है कि भीमा और कोरेगांव के काम में गौतम नवलखा से लेकर सुधा भारद्वाज तक अपराधी है, वो भारत को ऐसा ही बनाना चाहती है जैसा आज भारत बन चुका है। और यदि इस भारत को आपको बचाना है, जिसके लिए कभी शहीद भगत सिंह ने, कभी भीमराव अंबेडकर ने, और आज जिनका जन्मदिन है महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने, और कभी सुभाष चंद्र बोस ने सपना देखा था, अपनी जिंदगी तबाह की थी कि हमने आजादी इसी भारत को बनाने के लिए ली थी। तो सवाल आपके सामने बहुत छोटा सा है कि आप इन शहीदों के सपनों का भारत बना, अभी मायावती जी बनाना चाहती हैं, तो वैसा भारत तो बन ही रहा है। वैसा भारत तो पूरे देश में पिछले 76 सालों में बन ही गया। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, बातचीत का मुद्दा क्या है? साहब ये कौ तस्करी कर रहा है। बातचीत का मुद्दा क्या है कि साहब दलितों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और ये लड़ाई बकायदा योजनाबद्ध तरीके से भारत के कुछ लोग लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं आपसे कि आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, बड़े सम्मेलनों, सभाओं, बैनर, पोस्टर, लाखों करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव नहीं जीता जाता। आपके पूरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख वोट हैं, यानी कुल मिलाकर 80,000 परिवार हैं। क्या हम इन 80,000 परिवारों के लोगों से सीधी बातचीत कर सकते हैं कि आप कैसा देश चाहते हो? और उस देश का एक छोटा सा नक्शा बीजेपी और कांग्रेस के तमाम विरोधों के बावजूद, पूरा राज्य नहीं होने के बावजूद, दिल्ली में पिछले 3-3.5 सालों में करके दिखाया है, और यही नक्शा राजस्थान में हम उतारना चाहते हैं। इसलिए आपके बीच में हमने हमारे सबसे जुझारू, सबसे समझदार नौजवान को खड़ा किया है, महेंद्र मीणा को। फैसला आपको करना है कि आप महेंद्र मीणा को क्या राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाना चाहते हैं? क्या 2.5 लाख लोग लक्ष्मणगढ़ और राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ये तय करते हैं कि हम खुद विधानसभा में महेंद्र मीणा को पहुंचाकर इस देश का नक्शा बदलेंगे? सिर्फ इतना सा मैं कह रहा हूं। और हमारे बीच में हमारे मित्र, हमारे साथी, इस आंदोलन के प्रमुख साथी इमरान जी, जागीरदार जी आए हैं, मैं इन सबका स्वागत करता हूँ। और उम्मीद, क्योंकि इनको भी बाहर दौसा में भी एक सम्मेलन में जाना है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही कहा विद्रोही जी, कि जिस तरह से ये युवा पूरे पिछले 6 सालों से महेंद्र भाई ने पूरे अलवर के अंदर में एक आवाज को बुलंद कर रखा है, आज राजगढ़ की जिम्मेवारी बनती है अब कि उस आवाज को विधानसभा तक पहुंचाए। मैं इसी बीच में अनुरोध करता हूं हमारे पार्टी के वरिष्ठतम प्रदेश के सदस्य और संगठन विस्तार समिति और फ्रंटल समिति के अध्यक्ष तरुण गोयल जी से कि आप भी कृपया कर मंच पर आए। तरुण भैया, आप बहुत अहम व्यक्ति हैं आम आदमी पार्टी के, और बहुत ही अहम कड़ी हैं पूरे राजस्थान के अंदर में इस चुनाव प्रचार को संभालने में।
मैं अनुरोध कर रहा हूं अब एक ऐसे व्यक्ति की, आम आदमी पार्टी बिल्कुल ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी नौकरी को, कारोबार को, धंधों को छोड़कर, हम में से एक भी व्यक्ति राजनीतिक परिवार से नहीं है, ऐसा ही एक व्यक्ति हमारे साथ में जो कि उड़ीसा के अंदर में भी कार्य कर रहे हैं, वहां के प्रभारी हैं और साथ में अब राजस्थान चुनाव के अंदर में हमारे और आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ खेमचंद जागीरदार जी से कि आप भी आए और हम सभी को यहाँ पर संबोधित करें। खेमचंद भाई, मंच पर आसीन हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री विद्रोही जी, दिल्ली से आए मेरे भाई इमरान हुसैन साहब, जो पार्टी के एक वरिष्ठ हमारे नेता हैं और दिल्ली के अंदर मंत्री हैं, बहुत सारे विभाग इनके पास हैं। उनके साथ हमारे साथी दिल्ली से ही काउंसलर हैं, वो आए हुए हैं और हमारे मंच पर विराजमान है राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के प्रत्याशी महेंद्र मीणा जी और यहाँ जितने भी आए हुए मेरे बुजुर्ग माता बहने साथियों, मैं सबको आपको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की गर्मी में आप लोग यहां काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा विलंब हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। जैसे कि आपको ये सब को भली बात पता है कि आने वाले दिनों में 2 महीने के अंदर अंदर राजस्थान के अंदर चुनाव होने वाला है और चुनाव की जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से दूसरी पार्टियां कर रही हैं, करोड़ों रुपया लगाया जा रहा है, यहां पर दो ही पार्टियों का राज रहा है, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी 5 साल रहती है, राज करती है, खूब जितना भी पैसा लूटा जाता है, जितना पैसा लूट सकते हैं लूटते हैं, उसके बाद चुनाव होता है, कांग्रेस आती है, वो कहती है देखो जी इन्होंने कितना पैसा लूटा है, तो लोग राजस्थान के उनके पास विकल्प नहीं है और मजबूरी में वो जिताने के लिए वोट नहीं देते। अगर आज आप लोग वोट करेंगे तो किसी पार्टी को जिताने के लिए वोट नहीं देते, यहां के लोग मजबूरी में वोट करते हैं एक पार्टी को हराने के लिए, विकल्प कोई होता नहीं है। इस मजबूरी में एक बार कांग्रेस, दूसरी बार भाजपा, इस तरह का खेल ये आपस में खेलते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर हर इलेक्शन में आरोप प्रत्यारोप करते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं। लेकिन अब की बार राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी ने बिगुल बजा दिया है और इन दोनों पार्टियों को अब की बार जो लोग इतने सालों से सताए हुए हैं, दुखी है इन दोनों पार्टियों से, उन दोनों पार्टियों को सबक सिखाने का काम अब की बार राजस्थान की जनता करेगी। आज मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि यहां पर जो प्रोग्राम है उसके बाद हमारा दूसरा प्रोग्राम है। मैं सिर्फ दो ही बात कहना चाहता हूं, राजस्थान की धरती, यहां पर सूरवीरों ने जन्म लिया है, यहां का जवान आज सरहद पे लड़ाई लड़ता है, सबसे ज्यादा जो जवान है वो राजस्थान से है और किसान दो ही ऐसे यहां पर पूरे देश के अंदर जो लड़ाई लड़ता है वो जवान लड़ता है और किसान का बेटा ही जवान होता है। लेकिन इन दोनों, चाहे जवानों के लिए चाहे किसानों के लिए, किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। आज बापू की जयंती है, आज उस भारत के महान सपूत लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ित अगर है तो इस देश के अंदर किसान और जवान दोनों ही सबसे ज्यादा पीड़ित है। एक जवान अपनी शहादत दे देता है
अपनी जान, लेकिन उस बच्चे सर कटा था, कहा था एक के बदले 10 सर लाएंगे, आज उसके बच्चे दर दर रो ठोकर खा रहे हैं, आज उसकी माँ दर दर ठोकर खा रही है, लेकिन सिर्फ 20-25 लाख रुपए दे करके और सरकार भूल जाती है। जो अपनी जान दे देता है उस जवान के बच्चों के लिए कोई भी सरकार कुछ नहीं करती। उसके लिए अगर कोई सरकार या किसी मुख्यमंत्री ने कोई कदम उठाया है तो दिल्ली की सरकार है, जिसने ये करके दिखाया है, कहने की बात नहीं है। अगर कोई जवान शहीद होता है, कोई पुलिस का जवान शहीद होता है, कोई पैरामिलिट्री का जवान शहीद होता है, उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली सरकार स्वयं वहां के हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी 1 करोड़ रुपए का चेक देके आते हैं। सिर्फ ये दिल्ली सरकार करती है, और बता दीजिए किसी ने कुछ किया हो तो। वन रैंक वन पेंशन का जो वादा किया मोदी जी ने, सिर्फ झूठ बोला। किसानों के साथ वादा किया, आप बताइए डीजल का दाम बढ़ता है क्या आपकी फसल के दाम बढ़ जाते हैं? आप बताइए किस किसान को, मैं भी एक किसान हूं, किस किसान के फसल का 2 गुना दाम मिला है? ये सरेआम झूठ बोलते हैं कि किसान की फसल का हमने 2 गुना दाम बढ़ा दिया। इनको किसी बात की ये शर्म भी नहीं आती है एक हम झूठ बोल रहे हैं। 80% 90% 70% इस देश का किसान है। यहाँ की GDP, यहाँ की जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस है हमारी, यहाँ की इकोनॉमी, उसको सरेआम झूठ बोला जाता है। आप बताइए किसी को 2 गुने दाम मिले हैं किसी फसल के? एक भी किसी को मिले हो तो बता दीजिए आप। किसान का ऋण माफ करने के नाम पे धोखा करते हैं, बड़े बड़े मंच लगाते हैं, और यूपी के अंदर तो ऐसा किया है किसी को 1 रुपए का, किसी को 2 रुपए का चेक दिया है। तो इन लोगों को किसी बात की ना कोई शर्म है, ना कि इनको ये आता है कि भाई हम झूठ बोल रहे हैं। तो सिर्फ ये जुमला सरकार झूठ की सरकार, और कोई इन लोगों ने कुछ किया नहीं है। आप किसी भी एक भी योजना के लिए के बता दीजिए, एक भी योजना का आपको फायदा हुआ हो। ये कहते हैं हमने 2 गुना लोगों के फसल की कीमत दे दी, ये कहते हैं किसान तो बहुत खुशहाल हो गया, ये कहते हैं हम जवानों को 1 रिंग 1 पेंसिल दे दी। अगर किसी ने कुछ किया है किसानों के लिए या जवानों के लिए, वो सिर्फ दिल्ली सरकार ने किया है। आज वहां पे बिजली, वहां पर 2 रुपए यूनिट में बिजली दी जाती है, यहाँ 7 रुपए यूनिट बिजली है। आपके यहाँ 400 यूनिट का कितना पैसा दिया जाता है? मेरे हिसाब से 3300 रुपए, हमारे दिल्ली के अंदर 1100 रुपए या 1300 रुपए। इस तरह 3 गुना 4 गुना 5 गुना ये पैसा ले रहे हैं। हम कोई बिजली बनाते थोड़ी है, हम भी दूसरे के यहां से बिजली खरीदते हैं। तो चाहे बिजली के दाम हो, पानी के दाम हो, और किसानों को अगर एक ही सरकार है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अगर फसल नष्ट हुई तो उसका 1 एकड़ पर यानी 1 हेक्टेयर पर 50,000 रुपए हमने जुर्मा वो दिया है, मुआवजा दिया है, किसी सरकार ने आज तक नहीं दिया। तो सिर्फ मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा, अगर आपको बदलाव देखना है, आपको पानी फ्री चाहिए, आपको बिजली आधे रेटों पे चाहिए, आपके बच्चों को स्कूल चाहिए, आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, आपके जवानों के लिए कुछ करने के लिए अगर कोई सरकार है वो चाहिए, किसानों की हितैषी अगर कोई सरकार है अगर वो चाहिए, तो आम आदमी पार्टी के महेंद्र मीणा जी को आपको जिताना होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं, कभी किसी एमएलए ने काम नहीं किया होगा, जो काम महेंद्र मीणा जी यहां करके दिखा देंगे वो कोई एमएलए नहीं कर सकता, 70 साल में नहीं किया होगा। ये हम लोगों का वादा है, और हम आप लोगों के उससे निकले हुए लोग हैं, आम लोग हैं, हम कोई बाहर से नहीं आए हैं, हम कोई नेता की फैमिली से नहीं आए हैं। हम लोगों को पीड़ा पता है, हमें किसान की पीड़ा पता है, हमें माता बहनों की पीड़ा पता है, हमें उन बच्चों की पीड़ा पता है जो स्कूल नहीं जा सकते हैं। अगर इस देश में बदलाव लाना है तो आम आदमी पार्टी ला सकती है। मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आने वाले इलेक्शन में एक एक आदमी अगर एक एक घर, दो दो घर, तीन तीन घर पकड़ ले तो हम इलेक्शन जीते हुए हैं। आज जितने भी लोग यहाँ से जाएं, आप हर आदमी 10 लोगों को अगर कन्विंस जाके करें कि नहीं, आज हमें ये वक्त की तकाजा है, एक आम आदमी पार्टी को जिताना है, तो आप लोगों को
एक महीने के लिए महेंद्र मीना जी का साथ देना होगा और आम आदमी पार्टी को जिताना होगा, तभी देश और राजस्थान का भविष्य सुधर सकता है। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सही कहा आपने जागीरदार जी, जिस प्रकार की बेशर्म सरकार इस समय यह है, किसानों को 21 पैसे का चेक देती है, किसानों को 1 रुपए का चेक देती है ऋण माफी के नाम पे, और बड़े बड़े मंच लगाती है, लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, तो बहुत बेशर्म सरकार। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला राजगढ़ की जनता ने किया है। हमारे बीच में यहाँ पे फ्रंटल समिति के उपाध्यक्ष राजवीर भाई भी हमारे साथ में यहाँ पर है, ऐसे बहुत सारे साथी अलग अलग स्थानों पर अपने मोर्चे को संभाले हुए। मैं आपको बता दूं एक बात, इमरान भाई आप सभी के बीच में है, आज के मुख्य वक्ता हमारे साथ में, मैं आपको बताऊं कि हम लोग कौन है, आप और हम कौन है। ये आम आदमी की टोपी जो हमने पहनी हुई है, आज पूरा विश्व घबराता है इस आम किसान, आम आदमी, आम जनता से। उसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि 5 फुट 3 इंच के साधारण से आम आदमी ने, अरविंद केजरीवाल नामक एक व्यक्ति ने, पूरे देश के अंदर में बैठे हुए बड़े बड़े सत्ताधीशों को, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों की नाक में नकेल डाल दी। दुनिया को आज पता चल गया है कि भारत का आम आदमी अगर जाग गया तो पूरे के पूरे भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकेगा पूरे विश्व से, ना कि मात्र भारत से। तो आज हम और आप तैयार है महेंद्र भाई जैसे आम आदमी को विधानसभा में ले जाने के लिए, हम तैयार हैं राजगढ़ को बदलने के लिए। अब की बार राजगढ़ किसी बामन बनिया जाति के नाम पे वोट नहीं देगा, किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को वोट नहीं देगा। अब की बार वोट देगा तो किसान के नाम पे, अब की बार वोट देगा जवान के नाम पे, अब की बार वोट देगा शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे। तो ऐसी तब्दीलियां जिस राज्य में आ चुकी है, ऐसी तब्दीलियां जिस सरकार ने कर दी है, उसी सरकार के हमारे सबसे मुख्य और मजबूत मंत्री हम सभी के बीच में, मैं अनुरोध कर रहा हूं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इमरान भाई से कि आप आए और हम सभी का संबोधन यहां पर करें। आपके जोरदार जयकारे के साथ में भी चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि एक जोरदार जयकारा इमरान भाई के साथ में अरविंद भाई तक जाए कि राजगढ़ तैयार है। एक बार जोरदार जयकारा चाहिए मुझे आपका। आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। ये नारा आपको और हमको पहली बार ऐसे मंत्री, ऐसे विधायकों ने हमको दिया है जिन्होंने दिल्ली में दिखाया कि अब की बार किसी मोदी या गांधी के जयकारे नहीं लगेंगे, किसी गहलोत या वसुंधरा के जयकारे नहीं लगेंगे, जयकारे लगेंगे आपके और हमारे। तो इमरान भाई जिन्होंने हमको ये जयकारा दिया। नमस्कार, सब लोग मेरे साथ पहले जयकारा लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित मेरी माता बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इतनी धूप के अंदर, इतनी तपिश के अंदर यहाँ बैठी हैं आम आदमी पार्टी की हिमायत के लिए, और मेरे सारे भाई दोस्त बुजुर्ग यहाँ इतनी तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं राजगढ़ के अंदर। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी 1-2 महीने के अंदर अंदर यहाँ राजस्थान के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। किस किस को पता है? सबको पता है, हर 5 साल में होते हैं इलेक्शन। हाँ, 5 साल होते हैं। तो वोट क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं ताकि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, आप लोगों के जो अगर बीमार हो जाए हॉस्पिटल में जाए, आप लोगों का इलाज हो सके अच्छा और मुफ्त में हो सके, किसी को दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, आप लोगों के यहाँ पानी की सुविधा अच्छी हो जाए, आपके यहाँ जहाँ पानी गांवों में नहीं आता है वहाँ ट्यूबवेल करा दिए जाए, टैंकर से पानी भेज दिया जाए और पानी मुफ्त हो जाए, आप लोगों के गाँव में मोहल्लों में सड़कें नहीं बना दी जाए, आप लोगों के यहाँ बिजली के दाम को जो आज आसमान छू रहे हैं उन्हें आधा कर दिया जाए, या मतलब उस रेट पे आपको बिजली दी जाए जो आप आसानी से अदा कर दें, हमारी माता बहनों को पेंशन दी जाए, हमारे बुजुर्गों को पेंशन दी जाए, हमारे जो भाई जो बुजुर्ग हैं हमारे उन लोगों को पेंशन दी जाए, और इतनी पेंशन की राशि इतनी दी जाए जो उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी का मतलब अपने बच्चों तक के मोहताज ना रहे, अपने खुद मतलब अपना खर्चा उठा सकें। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और आप लोग आज देख रहे हैं यहाँ पे, अभी हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों ने देखा यहाँ पानी की बड़ी समस्या है नहीं है? तो ये पानी की समस्या, आप लोग हर 5 साल में वोट देते हो, एक बार कांग्रेस को वोट दे देते हो, एक बार बीजेपी को वोट दे देते हो, खाली 5 साल में आप इसलिए चेंज करते हो क्योंकि जिस पार्टी को आप जिता के भेजते हो उससे
एमएलए से इतने परे, ना बिजली का ध्यान दिया, ना पानी का ध्यान दिया, ना हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाए, ना हॉस्पिटल बनाए, ना हमारी गलियां बनवाई, ना हमारी सड़कें बनवाई, ना पानी का उचित इंतजाम करा, तो इस बार इसे हराना है। लेकिन इस बार आप लोगों को वोट देना है बदलाव के नाम पर। आप लोग सब जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी को, कौन कौन लोग जानते हैं यहाँ पे, हाथ खड़ा करके बताएं। दिल्ली के बारे में सब लोग जानते हैं, दिल्ली में क्या क्या काम हो रहा है। हम लोगों ने वादा करा था कि जब दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, बिजली के दाम आधे करेंगे और पानी 20,000 लीटर तक हर परिवार को बिल्कुल मुफ्त देंगे, जो सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने किया। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली में जितनी सस्ती बिजली है उतनी सस्ती बिजली कहीं नहीं है। आज हमारे यहाँ भी हमारे भाई ने बताया कि 400 यूनिट का दाम हमारे यहाँ 1100 रुपए है, और उतने ही यूनिट अगर आप यहाँ बिजली जलाते हो तो 3300 देने पड़ते हैं। महाराष्ट्र में उतनी बिजली जलाते हो तो 4400 देने पड़ते हैं। मध्य प्रदेश में उतनी बिजली जलाते हो तो 2800 रुपए देने पड़ते हैं। तो ऐसी क्या बात है कि दिल्ली के अंदर इतनी सस्ती बिजली है? सिर्फ एक ही बात है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दिया है। आज अगर कोई टोपी लगा के चला जाता है और कोई आदमी रिश्वत मांगता हुआ, अगर थाने में आपका झगड़ा हो जाए, आपका कोई कहीं किसी दफ्तर के अंदर आप लोग जाते हो, कोई आपको पहचान पत्र बनवाना है, आपको प्रमाण पत्र बनवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, आय प्रमाण पत्र बनवाना है, आप लोग जाते हो तहसील में जाते हो कौन कौन गए? हमारी माता बहने गई हैं। फ्री में बन जाता है या रिश्वत देनी पड़ती है? थोड़ी बहुत पड़ती है। दिल्ली के अंदर इन सब चीजों को बिल्कुल खत्म करा दिया है। जो ब्रिज हमारे यहाँ, जो ब्रिज 800 करोड़ रुपए में बनना था, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 500 करोड़ में बना दिया। एक एक फ्लाईओवर के ऊपर 300 करोड़ रुपए बचाए। वो किसका पैसा है? वो आप लोगों का पैसा है। आप लोग टैक्स देते हो, उससे वो पैसा आता है। हमें अगर देश में बदलाव चाहिए तो हमें ऐसे लोगों को जिता के लाना पड़ेगा जो भ्रष्टाचार के बिना आप लोगों की सेवा करें। और वो सेवा कब करेंगे? जब आप लोग खुद बदलाव चाहोगे। वो सेवा जब करेंगे, क्योंकि आज बड़ी बड़ी पार्टियां आ जाती हैं भाई, राजा महाराजा आ जाते हैं। यहाँ तो वैसे भी रानी जी हैं, है नहीं है? कल एक बार राजा एक बार रानी, तो आम आदमी को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। हाथ खड़ा करके बताओ, आम आदमी को मौका मिलेगा? आम आदमी तो समझता है आपकी समस्या। महलों में रहने वालों को क्या पता कि आपके इलाके में पानी आया नहीं आया? वो तो 5 साल बाद आते हैं, रथ यात्रा लेके आते हैं, घूमते हुए चले जाते हैं, भाई हमें ही वोट देना इस बार भी, 5 साल हमने तुम्हारे जो मतलब काम नहीं किया अगली बार कर देंगे, आश्वासन देते चले जाते हैं। उसके बाद फिर 5 साल बाद ही नजर आते हैं। उसके बाद अगर आप लोग मिलने भी जाते हो तो मेरे ख्याल से मिलते तो है नहीं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी रोजाना सुबह अपनी जनता से मिलते हैं, दिल्ली के लोगों से मिलते हैं, और खुद मिलते हैं और उनकी जन सुनवाई करते हैं। यहाँ ऐसा होता है क्या? यहाँ अगर आप विधायक के यहाँ भी जाते हो तो खुला मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो आज यहाँ से महेंद्र मीना जी को अरविंद केजरीवाल जी ने अपना नुमाइंदा बनाया है। और एक बात और सुन लो, जो जिसे भी अरविंद केजरीवाल जी नुमाइंदा बनाते हैं, आम आदमी पार्टी नुमाइंदा बनाती है, तो पूरा ठोक बजा के सर्वे करके उसके परिवार के बारे में जान के, उसके अपने चरित्र के बारे में जान के कि वो आदमी नेक है, शरीफ है, ईमानदार है या नहीं है, या बेईमान है, किसी के साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रखा, कोई पुलिस का केस तो उसके ऊपर नहीं है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका बातचीत करने का तरीका कैसा है, अपने लोगों से किस तरीके से मिलता है, ठोक बजा कर उसको टिकट देते हैं। वो सिर्फ इसलिए टिकट देते हैं ताकि वो लोग, अगर आप उसे जितवाओ, वो आपके बीच में रहकर आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा होकर आपकी सेवा कर सके, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, आपके लिए आपकी गलियां बनवाए, आपके यहाँ जगह जगह ट्यूबवेल करवाए, बोरिंग करवाए, टैंकर बनवाए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए, स्कूल बनवाए इलाके के अंदर, अस्पताल बनवाए, और आप लोगों के सुख दुख में खड़ा होकर आपके कंधे से कंधा मिलाकर
आपके एरिया का विकास करे। हम लोग जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते, हम लोग राष्ट्र के नाम पे वो वोट मांगते हैं, हम लोग देश को बदलने के नाम पे वोट मांगते हैं, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए वोट मांगते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए वोट मांगते हैं, आपके अपने किसान भाइयों के लिए वोट मांगते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की पूरे हिंदुस्तान में अकेली ऐसी सरकार है, जब किसानों पर आपदा आती है तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, पूरे भारत में पहली ऐसी सरकार है जिसने किसानों को मुआवजा देने का काम करा। 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया, पूरे हिंदुस्तान में किसी सरकार ने आज तक नहीं दिया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मॉडल स्कूलों का, जैसे स्कूल, सरकारी स्कूल दिल्ली के अंदर बनाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल सरकार में, ऐसे प्राइवेट स्कूल भी नहीं है और बच्चों को बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। अस्पतालों के अंदर दवाइयां बिल्कुल मुफ्त दी जा रही हैं और स्वास्थ्य एक क्लास का स्वास्थ्य किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर हमने हर मोहल्ले के अंदर एक एक मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रहे हैं, उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 1200 किस्म के टेस्ट हैं, लगभग 2300 रुपए तक का टेस्ट बिल्कुल फ्री है। आप लोग जाओ वहां, दिखाओ अपना, खून की जांच कराओ, सारी जांचें कराओ, बिल्कुल मुफ्त। तो आम लोग वोट मांगते हैं, स्वास्थ्य के नाम पे वोट मांग रहे हैं, शिक्षा के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आपके इलाके की सड़कें बनवाने के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आपके घर घर तक, आपके खेतों तक पानी पहुंचाने के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो कौन कौन आदमी इनकी मदद करेगा महेंद्र जी की, कौन कौन आदमी? देखो मेरी माता बहने भाई बुजुर्ग सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को यहाँ से सोच कर जाना पड़ेगा। इस बार वोट जो देना है, कांग्रेस बीजेपी दोनों भाई बहन पार्टियां हैं, आप लोगों को एक पार्टी जीत के आती है, अगली बार आप लोग उससे थक जाते हो, उससे परेशान आ जाते हो, अगली बार सोचते हो कि अब के इसको वोट नहीं देना, इसको हराना है, इसलिए दूसरी पार्टी को वोट देते हो। इस बार आप लोगों को ऐसे आदमी को चुन के भेजना है जो आप लोगों की सेवा करे, आप लोगों की खिदमत करे, आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों के बच्चों की सेवा करे, आप लोगों की, हमारी माता बहनों की घर घर जाके पेंशन बनवाए और जितने हमारे बुजुर्ग भाई हैं उन सबकी पेंशन बनवाए, गली गली तक पानी पहुंचाए, हर खेत खलिहान तक पानी पहुंचाए जहां पानी नहीं है, हर रोड बनवाए, जितने आज गांवों के रोड हैं उन्हें रोड बनवाए और उसके बाद में इलाके के अंदर अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, डिग्री कॉलेज बनवाए। तो इसके लिए हम सब लोगों को इनका साथ देना पड़ेगा और हर आदमी को सबसे पहले तो अपने दोस्तों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सबके रिश्तेदार दोस्त दूसरी पार्टियों में भी लगे रहते हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें समझाना पड़ेगा। उसके बाद हम सब लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि रोजाना कम से कम 5 लोगों को या 10 लोगों को जो भी हमें मिलते हैं, हमारी माता बहनों को भी, बहुत सारी माता बहनें और मिलती होंगी गांव के अंदर, कहीं भी जा रही हैं, बाजार में कहीं भी जा रहे हैं, तो उन्हें भी समझाना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि इन भ्रष्टाचारियों को उखाड़ के फेंकना है। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा हम लोग विकसित नहीं हो सकते। अगर 70 साल पहले भारत आजाद हुआ था, अगर हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता ना, तो आज हम सुपर पावर होते नहीं होते, हम किसी से कम थोड़ी है। 125 करोड़ की आबादी है हमारी, दुनिया के अंदर हम सबसे मजबूत होते, आज भी हम मजबूत हैं, लेकिन आज हम लोग दूसरों को देख के बोलते हैं कि भाई अमेरिका बहुत आगे है, बहुत तरक्की करी हुई है, बहुत अमीर मुल्क है। अगर हमारे यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, यही सपना है अरविंद केजरीवाल जी का, हमें राष्ट्र बनाना है। कौन कौन चाहता है हमारा राष्ट्र बने, देश सबसे आगे बढ़े? तो उन सब लोगों को जो है मेरे भाई महेंद्र मीना जी का साथ देना है और कम से कम रोजाना 10-10 लोगों को समझाना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इनकी जीत नहीं होगी, ये आम आदमी की जीत होगी, यहाँ एक एक आदमी जो बैठा है, आपके इलाके के एक एक बच्चे की जीत होगी, उनकी शिक्षा की जीत होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, जय हिंद। बिल्कुल सही कहा आपने, जिंदाबाद। इस बार आम आदमी की जिंदाबाद, अब की बार बीजेपी और कांग्रेस नहीं,
ऐसे ही आम आदमी हमारे बीच में। महेंद्र भाई, मैं आप सभी के बीच में एक बात और बताऊं कि हमारे इमरान भाई जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, किस प्रकार के नेता हमारे साथ में हैं, किस तरह के लोग हमारे साथ काम करते हैं, आपको समझने की आवश्यकता है कि हम इमरान भाई और हम गोवा में थे, गोवा के अंदर में वहां पे मुलाकात हुई, इमरान भाई प्रचार के लिए आए, हम लोग एक कॉलोनी में गए, प्रचार करते करते दोपहर हो गई, पैदल चल रहे थे मोहल्ले के अंदर में, चलते हुए पहाड़ी पे ऊपर चढ़े और वहां पर गए, फिर हम में से कुछ कार्यकर्ता बोले कि भैया थक गए अभी चले वापस, फिर बोले नहीं अब आए हैं तो पूरा करके जाएंगे, पहाड़ी की चोटी तक गए, पूरा प्रचार खत्म किया। तो आम व्यक्ति की तरह, आम कार्यकर्ता की तरह आपके साथ काम करते हैं, ऐसे हमारे सारे नेता। मैं ऐसे ही एक व्यक्ति अब आपके बीच में, जिसको कि आम आदमी पार्टी ने, आप सबने मिलकर आम आदमी की आवाज को बुलंद करने के लिए, राजगढ़ से विधानसभा में भेजने के लिए आप सबने चुना है, मैं उस व्यक्ति से अनुरोध करूंगा कि वो आप सभी के बीच में अपनी बात को रखे। महेंद्र भाई, भारत माता की जय, इंकलाब वंदे वंदे। आदरणीय वंश और यहाँ पर पधारे हुए सभी मेरी माता बहने बुजुर्ग साथी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ कि आज यहाँ तक आने के लिए आप लोगों ने कितना समझौता किया है, अपनी जो कमाई है खेतों में उस कमाई को छोड़कर आज आप यहाँ आए हैं। मैं समझ सकता हूँ इसके पीछे का दर्द, वो दर्द है आपके यहाँ समय से बिजली नहीं आती है, और बिजली एक ऐसी जरूरत है जिसके लिए आप टैक्स देते हैं, पानी के लिए टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरस रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इन लोगों की नीयत नहीं है, इन लोगों की नीयत नहीं है कि वो सरकारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से आप तक पहुंचा सके। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने आज दिल्ली के अंदर वो काम करके दिखाए हैं जिनकी आम जनता को जरूरत है, पब्लिक को जरूरत है, मेरी जरूरत है और आपकी जरूरत है, उस जरूरत को आप तक पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। और राजस्थान में जैसा आपको पता है कि हम लोग पूरी 200 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोगों के मन में वहम होता है कि यार ये लोग ऐसे ही हैं, वोट काटेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम लोग सरकार बना रहे हैं राजस्थान के अंदर, और ये सरकार आप लोगों की सरकार होगी, अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की नहीं होगी। लोग पूछते हैं यार तुम्हारे मुद्दे क्या है, मैं कहता हूं हमारे पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है, हमारी पब्लिक का मुद्दा है, उनका मुद्दा है कि उनको पीने का पानी मिले। आपको यकीन नहीं होगा, पिछले 1.5 महीने में मैंने 177 गांवों में से 147 गांवों में एक एक घर जाकर बात किए लोगों से, उनके दर्द को महसूस किया है, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं 147 में से ताज्जुब होता है मेरे को, 133 गांव ऐसे हैं जो पानी को तरस रहे हैं। किस लिए तरस रहे हैं वो पानी को? इन लोगों की नीयत नहीं है पानी पिलाने की, क्योंकि अगर इन्होंने पानी पिला दिया आप लोगों को तो इनके टैंकर वालों से पैसे आने बंद हो जाएंगे। भाई साहब, आज 2013 में जो चुनाव हुआ था, मेरे हिसाब से इमरजेंसी की बात अलग है, जरूरत की बात अलग है, कुछ गांव को छोड़ दिया जाए तो बात अलग है, लेकिन कोई खरीद कर पानी नहीं पीता था। आज हर गांव में पीने नहाने धोने का पानी भी टैंकर से आ रहा है, जबकि आपके यहां पानी की कमी नहीं है, अब नियत है तो सिर्फ और नियत की कमी है इन लोगों की। ये लोग नहीं चाहते आपको पानी पिलाना, ये लोग नहीं चाहते आपको समय से बिजली देना, ये फैक्ट्रियों में दे देते हैं, आपको क्यों नहीं देते हैं? बिजली उतनी है और राजस्थान के अंदर बिजली की कोई कमी नहीं है, फिर वही कहता हूं कमी है तो सिर्फ नीयत की कमी है। और आम आदमी पार्टी की नीयत एकदम साफ है, उसने आप लोगों के लिए, पब्लिक के लिए जो भी काम किया है आपके सामने है। आप एक बार जाकर देखें सरकारी स्कूलों को, सरकारी अस्पतालों को, वहां की बिजली की व्यवस्था देखें। ये अभी मेरे पास 2 बिल है, एक राजस्थान सरकार का है तो दूसरा दिल्ली सरकार का है। राजस्थान सरकार का बिल आपके बताता हूं, 311 यूनिट है और बिल आया है जी आपका 2150।
अभी दिल्ली सरकार का बिल आपके सामने है, 428 यूनिट, 311 थी ये 428 है, 2150 का बिल है आपका राजस्थान सरकार का, ये दिल्ली सरकार का बिल है जी आपका 870 रुपए। फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है कि इस बार आपको किसे वोट देना है। आपको अपने बच्चों के भविष्य को वोट देना है या जाति और धर्म को, क्षेत्रीय कांग्रेस बीजेपी को? आप लोग कांग्रेस और बीजेपी को नहीं समझ पाए, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने आपको बहुत अच्छे से समझ लिया है। आपको पता होगा कि 2013 में जो लोग बीजेपी की सरकार में आकर विधायक बने 2013 से पहले, उनमें से 60% से ज्यादा कांग्रेस की सरकार में थे विधायक बनकर। और अब 2018 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, बीजेपी के विधायक छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस के नाम पर फिर हमारे माथे पे बैठ जाएंगे। इन लोगों ने आपको समझ लिया है कि इनके पास कोई चारा नहीं है, ये हमें ही वोट देंगे, कभी कांग्रेस के नाम पर देंगे तो कभी बीजेपी के नाम पर। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप लोगों के बीच में एक ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी है, इस बार आपके पास मौका है, इस मौके को चूकना नहीं है। कुछ लोग देखने वालों के दिमाग में यह भी आ रहा होगा, अरे यार ये 150 आदमी बैठे हैं क्या कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, 2013 विधानसभा दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी बनी थी 300 लोग नहीं थे, और उन्होंने उनके जज्बा, उसकी हिम्मत और उनकी ईमानदारी 28 सीट लेकर आई थी। आप तो एक विधानसभा में इतने बैठे हो कि राजस्थान ला दोगे। लोगों के बहकावे में मत आना, बहुत लोग बहकाएंगे, अब दौर शुरू हो गया है, इनके पास और कोई चारा नहीं है, सिर्फ बहकाएंगे आप लोगों को। मैं पूछता हूं, इस बार जैसा कि मैं गांव में गया हूं, कुछ लोग कहते हैं यार हम तो कांग्रेस का माहौल बनेगा, हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। मैंने कहा भाई क्यों दोगे? बोला जी बीजेपी ने बहुत दुखी कर लिया। मैंने कहा भाई साहब बीजेपी क्यों आई थी, कांग्रेस ने दुखी किया था जभी तो आई थी। तो इन लोगों ने आप लोगों को समझ लिया है, अब आप लोग अपने ऊपर इतना भरोसा रखें, आम आदमी पार्टी के ऊपर इतना भरोसा रखें कि हम आपके मुद्दों को आपके बीच में, इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में 240,000 वोटर है, हमारी विधानसभा में क्या काम होगा, हम 240,000 लोग एक साथ मिलकर अपने फैसले खुद करेंगे। हमें जरूरत नहीं है कि सत्ता में राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री के क्या है और क्या नहीं है, हमारे मुद्दे हम अपने पास अपने आपस में बैठकर सुलझाएंगे। आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है, वोट डालने से पहले जिस स्कूल में आप वोट डालने जाते हैं उस स्कूल की शक्ल देख लेना, और एक बार दिल्ली के सरकारी स्कूल की शक्ल देख लेना, उसके बाद आपका जहां मन करे वहां वोट देना। आप लोगों का फैसला सर माथे होगा। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल सही कहा महेंद्र भाई ने, और बिल्कुल जिस तरह की स्कूलों की हालत आज दिल्ली के अंदर में, आप सभी को सुधारना होगा। आप सभी से अनुरोध है कि हम आम आदमी है, आम तरीके से सब कुछ करते हैं, आप सभी के लिए यहाँ पे कुछ अल्पाहार है, उसे ले आगे के कार्यक्रम है। यहाँ पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों को लगातार जुड़कर मजबूती से इस राजगढ़ के अंदर में महेंद्र भाई के साथ हाथ मजबूत करने हैं, महेंद्र भाई के साथ में इस लड़ाई को लड़ना है। ये लड़ाई है उन बड़े बड़े पैसे वालों से, उन बड़े बड़े मोटे जात और धर्म के ठेकेदारों से। आप सबको आपकी बार दिखाना है कि आपका अपना आम आदमी, आपका अपना महेंद्र इस बार जीतेगा। आप सभी लोग यहाँ पे रुके अभी थोड़ी देर, और हम लोग आगे निकल रहे हैं दौसा के लिए। सभी से बहुत बहुत धन्यवाद।
चैनल आपको ऐसा ही एहसास देता रहेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो जल्दी से कर लो और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे क्लिक कर लो। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो और एक अच्छे विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।